वो अपने कमेंट में जरूर लिखें। मैं पूछना चाहता हूं, जैसे कल उमर मुदला जी ने कहा है भाई पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी माफी मांगे और साथ में तालिबान की बार बार जो बात करते हैं और इन्होंने कहा हमें स्टेट माफ चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं ये स्टेट किसकी है? उमर मुदला जी की है, फरूख मुदला साहब की है, या शेख मुदला साहब की है, या मुफ्ती साहब की है, या मैडम महबूबा की है? जय स्टेट भारत की है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों की जमीन पैरों के नीचे से किस चुकी है? एनसी की, पीडीपी की और कांग्रेस की? ये जमीन इनकी किस चुकी है? जनता ने इनको हंकार दिया है, ये लोग अभी पजल हुए हैं। दे जो पुठे से दे जो बयान दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आप ये बताइए, तालिबान 400 किलोमीटर दूर जाता है तो तालिबान का हमारे कश्मीर से क्या लेना देना है? मैं पूछना चाहता हूं, आप बार बार इसकी धमकी देते हो, कभी भी हमारे कश्मीर पर कभी भी कोई तालिबानियों ने हमला किया तो उसके जिम्मेवार उमर अब्दुल्ला जी और मैडम महबूबा होंगे। ये मैं मीडिया के थ्रू जनता को बता रहा हूं। ये बार बार धमकी देते हैं, इसका मतलब है इनको पता है ये हमला करवाने वाले हैं जम्मू कश्मीर पर, इन लोगों को पता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं जनता को पहले बताना चाहता हूं और मैं जनता के आगे ये सवाल रखना चाहता हूं, आप जो मुझे बताओ हमें किसका साथ देना चाहिए? जो पत्थरबाजों को बढ़ावा देते हैं उनका साथ देना चाहिए, या जो लोग पत्थरबाजों को खत्म करते हैं उनका साथ देना चाहिए? इन लोगों ने पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया, बीजेपी ने पत्थरबाजों को खत्म किया, इन लोगों ने मिलिटेंटों को बढ़ावा दिया, बीजेपी ने मिलिटेंटों को खत्म किया, इन लोगों ने पाकिस्तान के गुण गाए, बीजेपी ने भारत के गुण गाए, इन लोगों ने कश्मीर पर पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया और फैलाया। इन कश्मीरी लीडरों ने, हमारी बीजेपी ने वहां तिरंगा झंडा फैलाया, घर घर कश्मीर में तिरंगा झंडा फैला दिया। आप फैसला करो किसका साथ देना चाहते हो, आप फैसला करो। ये जे लोग कुछ मुट्ठी भर लोग देश के दो टुकड़े करना चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को बचाना चाहते हैं। इन लोगों ने मुट्ठी भर लोगों ने मूव चलाई हुई है, मंगाई हुई है। मैं आप लोगों के आगे अपील करता हूं, आप ये फैसला करिए, आप उन लोगों का साथ दोगे जो देशद्रोही हैं या उन लोगों का साथ दोगे जो देश को बचा सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ही प्रधानमंत्री है जिन्होंने राम मंदिर बनाया, जिन्होंने इंडिया आर्मी को नंबर वन बनाया, अपने जवानों की कतर की। पहले हमारे नौजवान जब शहीद होते थे तो डब्बे में उनकी लाल गाती थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब फैसला लिया था हमारे जवान जहां भी शहीद होंगे वो घर पहुंचेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप, ये आप पर फैसला है, ये बार बार भाई तालिबान भाई जम्मू कश्मीर पर क्या करेगा क्या कर सकता है ये हम भी नहीं जानते। अगर जम्मू कश्मीर पर तालिबानियों ने कभी भी हमला करने की तैयारी की तो पहला हाथ उसमें मैडम महबूबा का और उमर अब्दुल्ला साहब का होगा, ये मैं बता देता हूं आज जनता को, यह ध्यान रखना, यह देश के दो टुकड़े करने की तैयारी कर रहे हैं जो लोग।